Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft. आज मेरा थोड़ा गला खराब है, बट ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी इंटर्नशिप्स के लिए हायरिंग स्टार्ट कर दी है। तो फिर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाइपेंड क्या होगा, कौन कौन से राउंड होंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और एक बहुत ही अच्छा तरीका जिससे कि हमें अपने रिज्यूमे को टेलर करना चाहिए। मैं तुम्हें प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट कर दो। कौन कौन से बैचेस एलिजिबल हैं? ये अपॉर्चुनिटी खुली हुई है सिर्फ 2025 ग्रेजुएट्स के लिए, यानी अगर तुम 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। फिर आते हैं लोकेशन पे। ये तीन लोकेशंस के लिए ओपन है, हैदराबाद, बैंगलोर एंड नोएडा। लोकेशन में मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर तुम नोएडा में इंटर्नशिप करने के लिए कंफर्टेबल हो, देन यू कैन टॉक टू एचआर एंड गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट इन नोएडा ओनली। कि तुम बात करो कि अगर कोई टीम अवेलेबल है नोएडा के लिए तो तुम उनसे बात करके लोकेशन अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कितने कोडिंग राउंड्स और इंटरव्यू राउंड्स होते हैं इस अपॉर्चुनिटी में। तो दो कोडिंग राउंड्स में होता ही है, और दो इसलिए कि हम काफी लोगों को फिल्टर आउट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग राउंड। तो दो कोडिंग राउंड होंगे जिनका लेवल होगा मीडियम टू हार्ड लीड कोड क्वेश्चंस, उससे ऊपर नहीं आएगा कुछ। फिर हम आते हैं इंटरव्यू राउंड्स पे। अब इंटरव्यू राउंड्स काफ़ी डिपेंडेंट हो जाते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गए हैं। अगर तुम्हारे इंटरव्यूज अच्छे हुए हैं तो तुमसे मिनिमम दो राउंड होंगे और दोनों टेक्निकल ही होंगे। बट अगर तुम्हारा इंटरव्यूज में थोड़ा एक इंटरव्यू थोड़ा डाइसी है, थोड़ा तुम कहीं पर अटक गए या तुमसे कोई चीज़ रह गई, तो उस चीज़ को थोड़ा और क्लैरिटी के लिए एक तीसरा राउंड रख सकते हैं। उस तीसरे राउंड में क्या होगा, हो सकता है तुमसे आधे टेक क्वेश्चंस पूछे और आधे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। सो टोटल दो या तीन राउंड में तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू भी हो जाएगा। और यार एक बहुत अच्छी चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट की कि मतलब जितनी जल्दी इंटरव्यूज होते हैं उतनी जल्दी बता भी देते हैं कि तुम सिलेक्ट हुए हो या तुम सिलेक्ट नहीं हुए हो। जो जो भी ना, उनका प्रोसेस बहुत फास्ट है रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने का। अब जानते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के परस्पेक्टिव से। तो देखो यार, स्ट्रिंग्स और एरेज बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस में और मॉडिफिकेशन करना, और मतलब हो सकता है तुमसे टेस्ट केसेस भी लिखवा रहे हैं उन क्वेश्चंस के। तो ज़्यादातर जितना मैंने देखा है वो स्ट्रिंग्स एरेज पे बहुत ध्यान देते हैं। अब एक डेटा स्ट्रक्चर जो वो ज़्यादा पूछते हैं इनके अलावा, वो होता है ट्रीज और लिंक्ड लिस्ट। ये दोनों में मतलब नोड्स से कनेक्टेड है, तो फिर एक तरह के मान लो कि अगर तुम ट्रीज कर रहे हो तो तुम्हें लिंक्ड लिस्ट तो आती ही होगी। तो फिर ट्रीज और लिंक्ड लिस्ट तो मतलब एक सेकेंड प्रायोरिटी में दूंगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरेज और स्ट्रिंग है, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट और ट्रीज पूछे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पर्क्स क्या क्या है इंटर्नशिप के। तुम्हें फ्री फूड मिलता है, कैब फैसिलिटी मिलती है, हाइब्रिड वर्क कल्चर है। अगर तुम्हें 10 दिन ऑफिस आना है तो तुम 10 दिन ऑफिस आओ। तुम्हें सिर्फ 50% ऑफ टाइम ऑफिस आना है तो तुम 50% ऑफ द टाइम ऑफिस आओ। नोबडी किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि तुम ऑफिस आओ तभी इंटर्नशिप होगी। नो, हाइब्रिड वर्क कल्चर है, और मतलब इतने सारे गेम्स वगैरह है ऑफिस में, इतने सुंदर ऑफिस है, तो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है और कल्चर बहुत अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट में। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के करियर पोर्टल पे, जहाँ पे हम जाकर देख सकते हैं कि अगर हम क्या और बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं जिससे कि हमारे चांसेस बढ़े इंटरव्यूज़ या कोडिंग राउंड्स का इनवाइट आने के लिए। तो जैसे कि मैं इस पेज पे पहुँच को दिख रहा है एक सेक्शन है क्वालिफिकेशंस। इस क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में मुझे दिख रहा है कि 1 ईयर ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मुझे ना अपने रिज्यूमे में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डालना ज़रूरी है ताकि मेरे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। और इसमें लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तो अपने रिज्यूमे में DSA जरूर लिखो और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स वाली टर्म्स में ही लिखो, ताकि जब ATS अगर इसको शॉर्टलिस्ट करे तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद तुम सिंपली अप्लाई कर सकते हो अपना रिज्यूमे डाल के, अपने पर्सनल डिटेल्स डाल के, एंड यू कैन इजिली अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।